सिल्वर स्पून से ऐसे ऐसे एक बॉटल, दो, तीन, चार बॉटल आई हुई, ठीक है। ये लोग दोनों को हो गई सर्दी एंड भयंकर वाली खांसी, उसकी वजह से हड्डी हल्का सा टेढ़ा है, सब है थोड़ा सा, but that it should not cause so much. मेरे एल्बो पे लग गए, मेरे पाम पे लग गए, मेरे नी पे लग गए, नी मस्त ऐसा टेम्बो आ गए। टुडे इज गुड मॉर्निंग क्योंकि मेरे रूम में जो हवा छुटी है ना, ए वाओ वाली हवा छुटी है। वेट लेट मी शो यू। शोभा तुम्हें हवा कैसे दिखाऊं मैं, आई डोंट नो, बट आई कैन फील इट ऑन माय फेस, राइट ऑन माय फेस। अरेबियन सी वाली जो हवा है वो डायरेक्ट आ रही है यहाँ पर। ये वाला चीज ना, ये घर छोड़ के जाएगी ना तो कहीं नहीं मिलने वाला है। इसके लिए मुझे मतलब ऐसे किलोमीटर्स चेक करना पड़ेगा, कहीं पीक पे ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा, ओनली देन आई कैन फील इट, वरना दिस फीलिंग इज सो डिफरेंट। ये देखो सब उड़ रहा है, सब उड़ रहा है, हवा दिख रहा है, उड़ रहा है, ये देखो। हाँ ये देखो इतनी हवा है, इसलिए हमने बाल में बांध के रखे हुए, इसी से दो लटे निकाली हुई बाहर। और हम हमारा काम पे लग जाते हैं एंड सारा काम खत्म कर देते हैं। माई काम इज टू सपोर्ट यू एंड हैविंग ब्रेकफास्ट एंड दवाई खाना, दवाई लगाना, वो सारी चीजें हम लोग कर लेते हैं। ये सब अगर ऐसा है, दिस इज नॉट शैडोज वर्क, दिस इज हवा का काम। ऐसे ऐसे पर ऐसे डालो, ये ऐसे हो जाएगा, फिर डालो, फिर ऐसे हो जाएगा, इससे अच्छे ऐसे ही रखो ये। मम्मी इज इन अ डिफरेंट मूड। अच्छा बाय द वे, आज का जो प्लान वो है कि हम जा रहे हैं, शैडो को नहीं लेके जा रहे, पहला वो आ जाता है, तो हम लोग जा रहे हैं। आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है जहाँ पर मम्मी एंड पवन मस्त बड़े बड़े इंजेक्शंस लगने वाले हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे नहीं लगने वाले हैं। मेरी और शैडो की कॉन्वर्सेशन सुनो तुम लोग, ठीक है? अभी बोलो। अच्छा सुन ना, अच्छा सुन मेरी बात, आई एम सॉरी। सुन, मैं मम्मी को लेके और पवन को लेके डॉक्टर के पास जा रही हूँ, वो सुनो। तो सीट मैं फटफट आऊँगी, हाँ तो बैठ, मैं जल्दी जल्दी आऊँगी, फिर अपन दोनों जाएंगे ना घूमी घूमी, अपन जाएंगे ना दोनों, सब समझ जाओ। ओ माजी भाई गो, डॉक्टर के पास जाने का था 8 o'clock को, इट इज 9 o'clock। लुक एट दिस, ये मंक्स में पता चले तीन थे, एक टूट गए, अब मैंने ये तीन और लेके आया मनाली से। मुझे बहुत पसंद है टीवी के पास ऐसे रखना, क्यूट लिटिल मंक्स, आई वांट सम मोर। शैडो को अभी पेट में हवा लग गई क्योंकि हम तीनों अभी रेडी हो गए। शैडो की मजा देखना अभी, शैडो तू नो है, तू सीट, ठीक है तू सीट, गुड बॉय। हां मैं फट से जाके मैं फट से आऊंगी, पवन भी बोलते तू सीट। डॉक्टर्स के पास डॉग्स अलाउड होते हैं और मैं इसको मैं लेके जाती हूँ, जिधर जिधर अलाउड होता है ना उधर उधर मैं लेके जाती हूँ इसको। गंभीरप्पा मोरिया, महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। हम लोग निकल गए, हम लोग लेके जा रहे हैं होंडा सिटी। अभी होंडा सिटी का कुछ नाम वाम है, पवन मैंने कुछ और रखा है, पवन ने कुछ और रखा है, और तेरा को नहीं निकाला क्योंकि वो ट्रक है, वो ईगल यहाँ बैठी है। कहाँ है? यहाँ पर कल हम लोगों ने ईगल देखा था, आने के टाइम पे जाने के टाइम पे सेम जगह पे थे, तो हम लोगों ने बोला अभी उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा। जैसे ही वो अटेम्प्ट करने गए वो हल्का सा उड़ के पेड़ पे चले गया था। अच्छा थोड़ा सा हाँ उड़ा, मतलब शांति ही, पता है ऐसे बारिश में ऐसे भीड़ के पास ऐसे ऊपर जाके बैठ। सो दिस डॉक्टर इज राइट नेक्स्ट टू माई स्कूल, ये मेरी स्कूल थी यहाँ पर, ये हमारी स्कूल, होली नेम हाई स्कूल, यहाँ पर मैं और कौन पढ़ रहे हैं। यू स्पेंड आई थिंक द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ वॉज हियर, वो मुझे अभी पता चलता है। इसके पहले आई यूज टू बी लाइक स्कूल क्या है, इट्स सो बोरिंग एंड ऑल, और वाह मेरी स्कूल इतनी बड़ी थी, बाकी के सारी स्कूल ना यहाँ पर आती थी खेलने को। सो दिस इज़ आर ग्राउंड, ये भी पूरा जगह हमारा है, सेक्शन इतनी बड़ी, फ्लोर्स यहाँ पर भी फ्लोर्स, यहाँ पर हमारा म्यूजिक सेक्शन था, ये नीचे ऑडिटोरियम, ऊपर ऑडिटोरियम, ये स्टेज लगता था, है ना? विशा पवन को सर्टिफिकेट्स मिलते थे, अवार्ड्स मिलते थे यहाँ पे एनुअल डे में,
एवरी ईयर एनुअल डे में लोग पार्ट लेते थे, डांस प्ले और सर्टिफिकेट में फर्स्ट. यस ऑलवेज. और एवरी ईयर ऐसे ना कि एक साल छोटा, हर साल इनको मिलता था. ओह गॉड थैंक यू. मम्मी हम लोग को लेने आती थी ना, ये पेड़ के नीचे खड़े रहती थी, ये दिस पेड़ के नीचे इन लोग की मंडी बैठती थी. और विशु जब छोटी थी ना, विशु पहले स्कूल में थी तो तब पवन को मैं गोदी में लेकर, फिर हम सब विशु जल्दी छुटती थी ना 2 घंटे में, फिर घर जाए आए तो हम सब मम्मी लोग यहाँ बैठते थे. फिर मेरे गोद में पवन था तो मैं पवन को लेके, फिर पवन की छोटी से गोदड़ी भी लेकर नीचे, फिर सब मम्मी लोग पवन को प्यार करते थे छोटू सा 6 महीने का. फिर सब बोलते थे अरे रोहिणी इसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आते, फिर मैं चिक्कू लाती थी, फिर इसका छोटा सा स्पून होता था, सिल्वर स्पून ना, सिल्वर स्पून से ऐसे ऐसे खिलाती थी, सब मम्मी लोग कितना प्यार करते थे इसको. फिर विशु आती थी दौड़ के मोटू मोटू से लटका, मम्मी वहाँ से आती थी हमसे बातें बातें. चलो चलो लेट्स फोकस डॉक्टर. बड़े बड़े बॉटल लगे गए लोग को. ओह यस बारिश में चर्च तो हम चर्च में चले जाते थे सब मम्मी लोग, सब वहाँ पे बैठते थे, फिर वहाँ फादर होते थे, फिर वो बोलते थे हाँ हाँ बैठो सब मम्मी वो अंदर चर्च के, वहाँ पे वो मैनेजमेंट की कोई रूम है, मैनेजर्स की ऑफिस है, तो वहाँ पे हम सब मम्मी लोग, मतलब जो जो दूर दूर से मम्मी लोग आते थे ना वो लोग जो जा नहीं पाते थे, फिर उनको ट्रैफिक तो हम वो मम्मी लोग बैठते थे, बाकी सब चले जाते थे. ये जो हमारी स्कूल है ना, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन मुंबई. मतलब इतनी बड़ी, प्लस ये जो चर्च है, वी हैड अ चर्च, कैथेड्रल, चैपल, सब यहाँ पर है. बाकी की स्टोरी आके बता दे, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चले जाएगा. वाला इमोशंस के भावनाओं में ये लोग यही बह जाएंगे, जस्ट लाइक ब्यास. पेशेंट नंबर 1, पेशेंट नंबर 2, ये रिकवर तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, बट इसका मैं जबरदस्ती खींच के लेकर आया कि भाई सार्वजनिक लेंगे जो भी लेंगे. डॉक्टर यही है, ये डॉक्टर है पवन. ओ शिट, चप्पल इधर निकालना पड़ेगा. दैट्स माय डॉक्टर. हाय डॉक्टर, गुड मॉर्निंग. आज आपके लिए 2 कस्टमर लेकर आया हूँ, 2 पेशेंट, सॉरी, दो पेशेंट्स लेकर आया हूँ. अभी ठीक है पर वीकनेस बहुत ज़्यादा है. मतलब मुझे लगा मैं रिकवर हो जाऊंगी पर हो ही नहीं रही हूं. और मुझे ना ये नोज ब्लॉक रहता है क्या? हां नहीं, बिकॉज़ ये आपका जो आवाज जो है ना वो दिखा रहा है कि पूरा साइनस आपका पूरा जाम है. हां पेन है थोड़ा सा? नहीं. आ दो. बट वीकनेस इन बॉडी एक है ना पूरा? अभी नहीं, एक दिन पहले का था. हां खांसी खांसी थोड़ा थोड़ा कफ है अभी, जैसे कि थोड़ा बाकी. लेडीज पोजीशन में बैठी थी मम्मी, पापा के कारण मम्मी का कान लिया बाइक राइड, और मेरे कारण बन गया. देख पापा के कारण, पापा के पीछे बैठी थी ना बाइक पे, पापा के कारण नहीं. कैसा हो यार साइड ले रहे? मैंने वो डालना चाहिए था ना, मैंने मेरी मस्ती थी ना तो कान में डालना चाहिए. मम्मी का टेस्टिंग हो रहा है पहले. जैसे मैं याद करती हूँ अपनी मम्मी को, वैसे मम्मी याद कर रही अपनी मम्मी को. इट्स ओके, यू कैन डू इट. मम्मी का ब्लड टेस्ट डन, मम्मी का ECG डन, अब बारी है पवन की. शी इज रियली गुड, मम्मी ने बोला एकदम मालूम नहीं पड़ेगा, ऑल रिलैक्स गुड. तुझे कुछ भी आई गेट स्कैर्ड. इसमें 5 हाफ ट्यूब्स ऑफ ब्लड. हाफ हाफ इतु से रहता है. वेरी गुड. How are you feeling now? वैसे ही. No डर दूर. Needle देख के I get really scared. Feel नहीं होता है. नहीं तो भी वैसा डर लगता है ना. I to get scared. मम्मी का ECG हुआ था, but मम्मी का ECG I couldn't capture because of obvious reasons. अब करने वाले पवन का ECG. All the best bro. Nothing to scare. So this is how ECG is done. यहाँ पर कुछ suction जैसे लगाया हुआ है, तो मजा स्कूल रहा है. यहाँ पर भी लगाया. मम्मी का टच वुड एवरीथिंग वाज नॉर्मल. पवन का साइनस का इसमें दिखाई दे रहा है. मम्मी का लग गया है IV इधर,
एक बॉटल, दो, तीन, चार बॉटल आई हुई, ठीक है? अभी पवन की बारी है, एकदम आराम से। फिर हम मिलते ही नहीं। गुड नाइट गाइस। देखो चादर उड़ाने का है, चादर उड़ाती हूँ। तू का चिल्लाना। लाइट वन, वन टू, स्वीट ड्रीम्स। अभी फोर बॉटल्स है, ये वन नहीं, वहाँ पर है, देख फोर बॉटल्स है, देखो विटामिन की। मम्मी की सेकेंड बॉटल स्टार्ट हो गई अभी। यहाँ पर मैं देने वाली हूँ बहरदारी बैठकर। मेरा सिर्फ यही काम है डॉक्टर को बताना कि जब ड्रिप ख़त्म होता है तब उसको चेंज किया जाए। मैं यहाँ पर कर रही हूँ वीडियो अपलोड, क्योंकि मैंने एडिट करके रख लिया था। अभी थंबनेल और सब बनाना है, ऑन द गो काम। मम्मी का बॉटल नंबर थ्री। पवन का ब्लड ऐसे रिवर्स जा रहा था तो डॉक्टर ने आके बताया कि वो एयर निकाल रहे थे। इट वाज हर स्टाइल टू रिमूव द एयर, वरना ये निकाल के वापस टोचना पड़ता था। अभी वापस जा रहा है ब्लड, कोई नहीं, एवरीथिंग इज गुड। पवन का ड्रिप सुपर फास्ट कर गया है लोगों ने, और मम्मी का स्लो है। मम्मी का भी बॉटल नंबर थ्री इधर पे, पवन का बॉटल नंबर थ्री खत्म होने आया है। मेरा काम अभी यही है तुम लोगों को बॉटल्स का अपडेट देने का। बॉटल नंबर फोर जो थी येलो कलर की इज डन। मम्मी की भी बॉटल नंबर फोर डन है, और अभी दोनों डन। मम्मी का निकाल दिया है तो दबा के रखने बोलेगा, थोड़ा स्टिकर वाला पेन होगा। स्कूल छूट गई, स्कूल छूटी नहीं, एक्चुअली पीटीए मीटिंग है, क्योंकि सारे पेरेंट्स बाहर आए हुए हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी एक्सरे करने के लिए। हल्का सा वॉकिंग है अपने स्कूल के बाजू पर, तुझे मालूम था ये सब चीज़ें? मुझे भी नहीं पता था। लुक हियर एट द स्कूल, नेबुलाइजर दे रहे ताकि जो चेस्ट है वो पूरी क्लियर हो जाए। ये लोग दोनों को हो गई सर्दी एंड भयंकर वाली खांसी, तो पूरा कफ है ना वो पूरा अंदर चेस्ट में भरा हुआ है, तो नेबुलाइजर लेने से ना पूरा क्लियर होएगा। ऐसे लगता है हुक्का पीते तो ऐसे लगता है बस ये अच्छी है, अच्छा है वो, अच्छा नहीं है वो भी फिल्टर हो गया है। नेबुलाइजर मशीन ऐसे रहती है। ये मास्क के थ्रू भी ले सकते हैं, बट इसको डायरेक्ट पाइप है, दिस गोज डायरेक्टली इनटू द इंटेस्टाइन। शैडो भी वेट कर रहा है, शैडो को भी एक आईफोन दिला देना चाहिए था। हेलो, ये मेडिसिन ये लोग ले रहे थे धुएं के थ्रू। हम लोग के तो घर पे पूरी मशीन पड़ी हुई है। एक टाइम था जब मम्मी को रोज नेबुलाइजर देते थे हम लोग घर पे। अंदर ले, अंदर अंदर और अंदर, और अंदर। हाँ, यहाँ पर टीवी है ना, खींच अंदर और नाक से निकल। हाँ, अंदर ले वेस्ट मेडिसिन। तो ये एक बार ये हो गया, क्योंकि नाक का तुम कंप्लेंट्स कर रहे हो। हाँ, उसकी वजह से हड्डी हल्का सा टेढ़ा है, सब है थोड़ा सा, बट दैट इज शुड नॉट कॉज सो मच। ये नाक का जो है ना, जैसे ये हड्डी है ना, तो ये माइल्ड हड्डी तुम्हारी टेढ़ी तो है, तो जे एकदम ज्यादा होगी तो वी डू सर्जरी फॉर दैट। मगर करेक्शन हल्की सी, वो सब के रहती है, वो बहुत बड़ा रहेगा ना तो उसको श्रिंक करना पड़ेगा। गाड़ी कर लिया है पार्क साई बाबा के मंदिर के सामने। सो दिस इज द ओल्ड प्लेस जहाँ पर हम रहते थे, ये रहा हमारा पुराना वाला घर। पुराने वाले घर के पास ना हम लोग खाते थे और मेदू वड़ा एक जगह पर, वहाँ पर आज जाके मेदू वड़ा खाने वाले। पीछे बोर्ड दिख रहे हो, फिल्ड कॉफी। और उन्होंने चाय ऑर्डर किया था यहाँ पर आके, ऐसे मैंने पीछे तो मेरे को दिखाई दे नहीं रहा है बोर्ड, मैंने वो दूर पड़ी, फिर मैंने आँखें से छोटी की कि क्या सच्ची फिल्टर कॉफी लिखा हुआ है, एंड यस इट इज फिल्टर कॉफी। फिल्टर कॉफी मैंने साउथ में पी थी, अभी यहाँ पर पी रहे हैं मेदू वड़ा। यहाँ का मेदू वड़ा इज वर्ल्ड बेस्ट मेदू वड़ा। यहाँ का मेदू वड़ा हम बचपन से खाते हैं। दो आइटम एक्चुअली बहुत पसंद है, मतलब हमारे घर पे कोई भी मेहमान आता था ना तो हम लोग उनके लिए मेदू वड़ा बना मंगाते हैं। हाँ, एंड सेकेंड फेवरेट इज गड़बड़। गड़बड़ यहाँ पर एक डिश है, एक खाते हैं, इट्स अ डेजर्ट शेक जिसके अंदर ड्राई फ्रूट मिल्क शेक बोल सकते हैं। हाँ, आपको ये डिश मिलती थी जो घर में आता था ना, तो ये पहले तो अभी तो ऑनलाइन चलो कॉल करो ये लोग, पहले तो मैं आते थे, तुम लोग आते थे लेने के लिए। फाइव स्टार हो या नौ स्टार हो, कॉफ़ी एंड चाय पीने का लाइक दिस मुझे बहुत पसंद है, ऐसे पीने के लिए। साउंड इज इम्पोर्टेंट। दी को मिले उसके पुराने फ्रेंड्स। बचपन में हम क्या करते थे पता है? मूली गुच्छा, इसको गुल्ली पकड़ने का, इसको गुच्छा मारने का। और पावर मारने आता था तो मैं बोलती थी मूली गुच्छा टाइम्स। मेरे हाथ में था वही, मैंने बोला भी था इसको मूली गुच्छा टाइम्स नहीं किया, अपन टाइम्स करते थे और चुपके लगा देते, मन में नहीं होता था, हम ऐसे करते थे ताकि यह चुपके दिखाई दे, जब तक ये है ना मतलब टाइम पीस चलता है।
और जब तक ये हाथ हुए मतलब टाइम पीस है। पागल है यार, मेरे खुद का वजन संभालने नहीं आता, क्या ही लटको यहाँ पर। लटकने के काम अपन आज तक नहीं किए भाई। पवन के साथ एक मस्त इंसिडेंट हो गया था ना चौपाटी में, और ऐसी लड्डू कर गया उसको। ये राज भाई पवन लड्डू बन गया। डॉगी स्मेल आ रही, ये देखो ये मुझे सूंघ रहा है क्योंकि इसको पता है कि डॉगी की स्मेल आ रही। यस ओ शोनू, आई मेट टुडे डॉगी, आई मेट डॉगी फ्रेंड्स टुडे। हां शोनी, मैंने ही मिला डॉगीज का, तू तो मेरा एक ही डॉगी ना। चल सुसुवाई, क्या ही दिन खराब चल रहा है। तो मैं यहाँ पर एडिटिंग को बैठी थी, यहाँ पर से आई बारिश की आवाज़, और मैं एडिटिंग में थी और मेरे को समझ में नहीं आया ठीक है बारिश की आवाज़, और मैंने बस जैसे एक पैर डाला, दूसरा पैर डाला, तीसरे पैर में मैं स्लिप, और फुल ऐसा स्लिप हुई कि मिरर बस ऐसे गिर रहा था, और मैंने उसको बॉडी से ये कर दिया, पकड़ लिया, और मैंने पवन का आवाज़ लगाया, पवन भाग के आया, उसने मिरर पकड़ा, ऊपर से शैडो भी मेरे आसपास ही घूम रहा था, मेरे एल्बो पे लग गए, मेरे पाम पे लग गए, मेरे नी पे लग गए, नी मस्त ऐसा टेम्बो आ गया है, बट थोड़ा सा ये इतना ज़्यादा नहीं है, पैर मुड़ रहा है, नसीब से फ्रैक्चर नहीं है, अब इस पर मारेंगे। अरे मेरे भाई वॉलिनी स्प्रे, मैंने मेरी लेफ्ट नी को बचाई, पता है लिगामेंट पूरा प्रेशर मैंने इस पर ले लिया था अभी, ऐसे पता नहीं ऑटोमेटिक। हाँ घुटना है, एल्बो, हाथ वाथ सब ऐसे उल्टा। शायद देख बू हो गया। हाँ फुल लंबा है, पूरा 6 फुट का इंसान इतना पूरा लंबा हो गया था। 6 फुट है, 5.6। और मैं खुद का भी ख्याल रख कभी मेरे लिए, एटलीस्ट चलो भाग जा पूरा वॉल की स्प्रे। यस वी आर रेडी। ये मैं थ्रॉटल हैंड है, ये पहले से ही वैसे भी डैमेज है, ये अभी इधर लाल हो गया, इधर ग्रीन हो गया। ओ भाई हंसने का नहीं, हंसने का नहीं, आराम से लेने का।